तो स्वप्नलोक की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्वप्नलोक की दुनिया से आज हम लेके आए हैं सपने में सांप को पकड़ते हुए देखने का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, कई व्यक्ति देखते हैं कि वह सांप को पकड़ रहे हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को सांप पकड़ते हुए देखते हैं। सांप बड़े खतरनाक होते हैं और ऐसा सपना देखना बेशक थोड़ा डर वाला होता है, क्योंकि हम सांप के नज़दीक जाना पसंद नहीं करते और फिर सपने में सांप को पकड़ना देखते हैं तो उसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा जागना स्वाभाविक होती है कि आखिर इस तरह सांप को पकड़ते हुए देखने का क्या मतलब हो सकता है। दोस्तों, सांप के सपने अशुभ और शुभ दोनों तरह के परिणाम देते हैं। सांप हमें सपने में आकर हमारे जीवन में होने वाले बदलाव के प्रति सचेत करते हैं, हमें जगाते हैं। इसलिए हमें सपने में आने वाले सांप के सपनों को बुरा और डरावना नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये संकेत होते हैं जो कि आपका अंतर्मन होता है वो भविष्य की झलकियां इस तरीके से देता है। यहाँ सांप के सपने व्यक्ति की जिंदगी में संकट लाते हैं, वहीं सांप के सपने ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। तो आइए जानते हैं सपने में सांप को पकड़ने का क्या मतलब होता है, ये शुभ होता है या फिर अशुभ, इसको देखने के बाद आपके जीवन में क्या होने वाला है। सांप को पकड़ना देखना यह सबसे शुभ होता है, इससे इसके बहुत ही अच्छे फल होते हैं। अगर आपको ऐसा सपना आया है तो जल्द ही आपके दिन बदलने वाले हैं। यह सांप से जुड़े सपनों में सबसे अच्छा और शुभ सपना माना गया है। सांप को पकड़ना यानी कि परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना, ऐसा सपना बहुत ही शुभ होता है। सांप को पकड़ने पर व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, उसके शत्रु उसके काबू में हो जाते हैं, उसके शत्रु उससे दबकर रहने लगते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बुरे वक्त से गुजर रहा हो तो यह खुद को सर्प पकड़ते हुए देखता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसा देखने पर उस व्यक्ति का जल्द ही बुरा वक्त खत्म हो जाएगा और सब हालात ठीक हो जाएंगे। यह सपना स्वप्न हमारे हर तरह से शुभ होता है। अगर कोई व्यक्ति असफलताओं या किसी तरह की परेशानियों से जूझ रहा हो तो उसे यह सपना आता है तो उसके बुरे दिन अच्छे दिन में बदलने वाले हैं, ऐसा उसे समझना चाहिए। सांप को पकड़ना सफलता और ढेर सारे धन की प्राप्ति का सूचक होता है। इस तरह यह बहुत ही शुभ होता है। आपको हर चीज में सफलता मिलती है। अगर आप व्यापारी हैं, स्टूडेंट हैं या कोई काम कर रहे थे जिसमें आपको बहुत असफलता और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था तो अब वह सब ठीक हो जाएगा और आपको सफलता मिलने लगेगी, सभी परेशानियां खत्म होने लगेंगी। यह सपना हर तरह से एक शुभ फल देने वाला सपना माना गया है। खुद सांप को पकड़ना एक शुभ सपना होता है, लेकिन किसी दूसरे को सांप पकड़ते हुए देखना उतना शुभ नहीं होता। वैसे तो वह भी शुभ होता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि खुद सांप पकड़ने पर होता है। दूसरे को पकड़ते हुए देखने पर आपको किसी से मदद मिल सकती है, यानी किसी की मदद से आपकी यह सभी परेशानियां हल हो सकती हैं। या यूं कहें कि आपकी परेशानियां कोई दूसरा ही हल कर देगा। अगर कोई देखे कि वह सांप को पकड़ रहा है और उससे सांप पकड़ में नहीं आ रहा, बार बार सांप छूटकर भाग जाता है, यानी व्यक्ति से सांप पकड़ में नहीं आता, तो यह सपना एक अच्छा सपना नहीं होता है। यह सपना यह संकेत करता है कि आपके हाथ से अच्छा अवसर चूक सकता है, आपका बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, आपके हाथ लगी चीज आपसे छूट सकती है। इसलिए ऐसा स्वप्न देखने पर व्यक्ति को ध्यान से रहना चाहिए और कोई भूल नहीं करनी चाहिए। इस तरह से सांप का हाथ से छूटना अच्छा नहीं होता है। इस तरह यह स्वप्न बहुत शुभ होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी सुनकर अच्छा लगा होगा। सांप से जुड़े सपनों के बारे में हमने और भी कई वीडियो बनाए हैं, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह था सपने का मतलब, सपने में सांप को पकड़